या फाइनल टच इसका तो बनाते हैं इसमें सॉफ्टवेयर में इनफ्यूज इसको राम सदरी अशोक उर्दू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम गोलाब डॉक्टर तौसीफ साहब डॉक्टर राफी अवली और इनके हमरा दूसरे प्रोफेसर साहिबान चूँकि डॉक्टर राफिया जी ने जो बैनुल्अक़वामी शोहरत याफ्ता अफसाना निगाह मानी जाती है और इस वक्त निस्वानी आवाज़ के नाम से मानी जाती है शिनाख्त कायम की है इन्होंने तक छपे शुमारे के लिए छपे और उसके साथ इसकी तारीख होती है। तारीख दो तरह की होती है, एक तो जो हमारे उर्दू यानी अरबी में शमसी तारीख और कमरी तारीख, ये दोनों इसमें दर्ज होती है। शमसी और कमरी तारीख दोनों दर्ज होती है और इसके साथ आप देख सकते हैं ये तारीख जो है और इस पर नीचे से ये बाज़ाबता तौर इसके इसका एड्रेस दिया होता है अखबार में, इस इदारे का एड्रेस दिया होता है। और इसके बाद जो पहली वाली खबर होती है, इस खबर को हम लीड क्या इनके तवसुत से हम आकाश साहब से मुतारिफ है तो उसके लिए मैं ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने यहाँ आने की इजाज़त दी। चूँकि थर्ड सेम में हमारा एक स्किल प्रोग्राम रहता है जिसमें बच्चों को बाकायदा मीडिया स्किल्स के बारे में बताया जाता है, उसमें उर्दू सहाफत है, मीडिया की इब्तिदा और आगाज़ और बाकायदा इर्तिका के बारे में बात होती है। तो इसीलिए फिर एक उसमें ये रहता है कि बच्चों को बाकायदा अखबार के दफातर दिखाए जाए ताकि वो उससे मुतारिफ हो कि हम मैम पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आज का जो विजिट है इस हवाले से बताइए। मैं राफिया अवली हूँ, डिग्री कॉलेज सोगाम में काम करती हूँ और आज हमने बच्चों को यहाँ पर लाया है। एक दो मुश्तरका टूर था, ये एक इस्लामिक जो तलबा है हमारे इस्लामिक लिटरेचर वाले उनका और एक उर्दू जो सिकिल पढ़ते हैं उनका था। तो दरअसल दो जगह हम लोग थे लेकिन यहाँ पर जो वक्त हमने दिया था सिकिल वाले बच्चों के लिए कि जिनका उर्दू में एक सब्जेक्ट होता है सिकिल जिसमें बाकायदा उर्दू मीडिया पर बात होती है, सहाफत पर बात होती है, तो अमली चीज़ दिखाने के लिए हम इनको आज आपके दफ्तर ले आए तामिल इरशाद के दफ्तर। और हमारी भी ये खुशनसीबी है इन बच्चों की भी कि यहाँ के मुदीर आला ने बड़ा अच्छा हमें यहाँ पर इस्तकबाल करा, उन्होंने उसके लिए हम आपके मशहूर हैं। और बच्चों ने भी अमली तौर पर अखबार कैसे बनते हैं, इनकी सुर्खियाँ कैसे तरतीब दी जाती है और कब इनका आगाज़ और इर्तिका हुआ इन अखबारात का, वो सारी चीज़ें मुदीर साहब ने इनके सामने वाजह कर दी जिसके लिए हम तामिल इरशाद के मशहूर हैं। और ये बच्चे भी जो स्किल इन्होंने पढ़ा है अपने जो क्लासरूम के हद तक जिस चीज़ को ये जानते थे, आज उन्होंने अमली तौर पर उस चीज़ को देखा, उसी मकसद के तहत हम यहाँ आए थे। हम ये असल में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जो है प्रोफेसर शमीम अहमद डार साहब, उनका एक मुद्दा और मकसद भी यही है कि बच्चे जो क्लासरूम में पढ़े हैं उसको अमली तौर पर वो बाकायदा मुशाहिदा भी उस चीज़ का करें, उसी कड़ी का एक सिलसिला ये भी है आज।